सिंह और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। जनपद बिजनौर के थाना क्षेत्र नजीबाबाद की नगर पंचायत सहनपुर में अमर उजाला व सखी वेलफेयर की ओर से खेल उत्सव का आयोजन कराया गया, जिसमें नजीबाबाद व किरतपुर के कई स्कूलों ने हिस्सा लिया। खेल उत्सव अमर उजाला की ओर से सहनपुर में खेल को बढ़ावा देने में छोटे बड़े बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए खेल उत्सव का आयोजन कराया गया। खेल के प्रति सहनपुर वासियों में भी उत्साह देखने को मिला। सहनपुर वासियों ने भी इस मौके पर हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर खिलाड़ियों का ताली बजाकर उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर स्टेट लेवल नेशनल लेवल के खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। खेल के प्रति अमर उजाला का यह कदम बहुत अच्छा कदम बताया गया है, जिससे छोटे छोटे गाँव से खिलाड़ी निकल कर नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच जाए, यही अमर उजाला की पहल है। इस मौके पर मुख्य अतिथि डीएम बिजनौर, एसपी बिजनौर, एसडीएम व सीओ नजीबाबाद कोतवाल, नजीबाबाद सहनपुर चौकी प्रभारी व भारतेंद्र पूर्व सांसद बिजनौर चेयरमैन सहनपुर महराज अहमद, खुर्शीद मंसूरी पूर्व चेयरमैन आदि मौके पर उपस्थित रहे। खेल के प्रति सहनपुर में भी लोगों की भीड़ दिखाई दी व हजारों की तादाद में छोटे बड़े बच्चों ने इस खेल उत्सव का मजा लिया। खेल उत्सव में ताइक्वांडो, योगा, कैरम बोर्ड, चेस, दौड़, पुशअप, डांस व कबड्डी जैसे खेल शामिल थे। सहनपुर से हमारे संवाददाता नसीम अहमद की रिपोर्ट। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मुझे लगता है कि बच्चों में जैसे खेल के प्रति एक नया उत्साह और पैदा करने का एक जो इस भावना से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय है और ये उत्साहवर्धक है। आने वाली जो हमारी नई पीढ़ी है, ये खेलों के उत्साहित होगी और वो लोग देश में और विदेशों में, पूरे विश्व में अपना नाम करेंगे, नजीबाबाद का नाम रोशन करेंगे। सखी फाउंडेशन हमेशा सदैव अच्छे काम, सामाजिक सरोकारों में आप लोगों का सहयोग रहता है। जो सामाजिक जिम्मेदारियाँ होती हैं उसमें आगे बढ़ करके आप लोग काम करते हैं। अमर उजाला जो है उसके भी सामाजिक सरोकारों में सारा स्टाफ मिलके इतना अच्छा और सुंदर आयोजन किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपने चेयरमैन साहब को सहनपुर के, जिन्होंने ये सब संभव करवाया, और आप सब बच्चों को जो जिनकी वजह से ये हो रहा है और जिनके लिए ये हो रहा है और जिनका ये पूरा आयोजन है। तो अभी जब मैं चलता हुआ आ रहा था तो बच्चे पूछ रहे थे कि साहब रेस कब लगेगी। तो नेताओं का भाषण कम और बच्चों का खेल ज्यादा हो, इसी आशा और राखी डॉक्टर राखी जी से मैं बधाई दूंगा कि जिस तरह से आपने बाल ऊर्जा को खेल के माध्यम से आत्मरक्षा और नए आयाम देने की जो कोशिश की है, उस अंतिम समय में मैंने देखा जो तमाम आत्मरक्षा की जो युक्तियाँ दिखा रहे थे, ताइक्वांडो कर रहे थे, वो बहुत अद्भुत था। और ये ऊर्जा को, जो बच्चों की ऊर्जा है, उसे किस तरह से सकारात्मक दिशा में मोड़ा जाए, किस तरह से उनको और अधिक ऊर्जावान, बलवान, आत्मसम्मान और गरिमावान बना करके उनकी ऊर्जाओं को सकारात्मक दिशा में संयोजित किया जाए, जो आप लोगों ने प्रयास किया है, निश्चित रूप से श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। और बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।